हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम साइंस सब्जेक्ट करेंगे, लेसन नंबर 14, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर, हमने लेसन इनसाइड द बॉडी हमने पूरा रीड करा, लेसन नंबर 13 पूरा रीड एंड एक्सरसाइज। एंड आपने एक्सरसाइज, मैंने आपको कहा था, हमने एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं हम। मैंने आपको कहा था आपने लेसन रीड करना है, एक्सरसाइज के आंसर्स लर्न करने हैं लिखकर, ओके। और एक्टिविटी भी दी थी आपको, मैंने आंसर्स तो आपको सबके बता दिए हैं, सो आपने वो अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करने हैं, ओके। ये चैप्टर इनसाइड द बॉडी से हमने स्टार्ट किया एनुअल कोर्स का। जितने भी उसके बाद के जो हम पढ़ाएंगे वो एनुअल कोर्स में आने वाले हैं। सो आपके फाइनल एग्जाम्स में बहुत ऑब्वियसली आपको पता है फाइनल एग्जाम्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप कर सकते हैं एक एक आप, और आपको एक दिन में सिर्फ एक ही काम दिया जाता है, सो आप उसको थोरली कर सकते हैं। दो दो तीन तीन बार रिवीजन भी कर सकते हैं। सो और ज़्यादा लेंथी चैप्टर्स तो होते नहीं, शॉर्ट होते हैं, और हम उसको पार्ट्स में पढ़ाते हैं। पहले हम रीडिंग करवाते हैं, फिर एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे कि आपके पास बिल्कुल भी बर्डन ना हो आपके ऊपर। सो हमारा इनसाइड द बॉडी लेसन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका था। अब हम आज लेसन नंबर 14, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे, ओके। ध्यान से आप सुनेंगे, मैं उसके मीनिंग्स भी आपको बताऊंगी डिफिकल्ट वर्ड्स के, और लेसन भी समझाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ओके। सो लेसन नंबर 14, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। फोर्स आपको पता है क्या होता है, किसी भी चीज़ का फोर्स लगाना, मतलब उसको पावर लगाना अपनी। वर्क कोई भी काम, एनर्जी, एनर्जी भी आपको पता है, और हमें एनर्जी किससे मिलती है, फूड से। सो हम पढ़ेंगे अबाउट द लेसन। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट फोर्स, वर्क एंड एनर्जी एंड हाउ दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। इंटरलिंक्ड का क्या मतलब होता है, वो कैसे फोर्स, वर्क, एनर्जी आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं हो सकता, दूसरे के बिना तीसरे का नहीं हो सकता। सो हम पढ़ेंगे द पावर ऑफ फोर्स। When a thing moves, something makes it move. जब कोई भी चीज़ move होती है, हिलती है अपनी जगह से, कोई चीज़ उसको move करती है, ऐसे ही नहीं वो अपने आप हिल जाती ना, अपने आप move हो जाती। When we pull or push something, we apply a force. जब हम किसी चीज़ को push करते हैं या pull करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें क्या लगता है, force. हम अपना force लगाते हैं। When a batsman hits the ball for a sixer in cricket, he applies force. अब जब batsman है जो, वो ball को hit करता है और उसको sixer जब करना होता है, तो sixer के लिए तो उसको कितना ज़्यादा force लगाना पड़ता है, तब जाके sixer होता है। Lift a book, it moves because you have applied force to pull the book. कोई भी काम, book lift करना, book को रखना, कोई भी काम, एनी वर्क रिक्वायर्स फोर्स। फोर्स हैज ग्रेट पावर। एन एरोप्लेन कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ इट्स इंजन एंड फ्यूल। जब एरोप्लेन एक फ्लाई होता है, वो उसमें भी फोर्स लगता है इंजन और फ्यूल का। एन इलेक्ट्रिक ट्रेन कैन रन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चलती है किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स से। अ फोर्स इज समथिंग दैट कैन कॉज मूवमेंट। अब मैंने ये अंडरलाइन करा है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये फोर्स की डेफिनेशन है। अ फोर्स इज समथिंग दैट कैन कॉज मूवमेंट। फोर्स वो होता है जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट हो। फोर्स हैज पावर टू मूव थिंग्स। इट हैज पावर टू स्टॉप अ मूविंग थिंग। इट हैज पावर टू चेंज द शेप ऑफ थिंग्स। फोर्स हैज़ पावर टू मेक थिंग्स फ्लाई। अब इसमें क्या हुआ, फोर्स हैज़ पावर टू मूव थिंग्स। फोर्स की वजह से हम कोई भी चीज़ मूव कर सकते हैं। इट हैज़ पावर टू स्टॉप अ मूविंग थिंग। अब वो जो मूविंग थिंग है उसको स्टॉप भी कर सकते हैं हम, अगर हम अपना फोर्स लगाएं तो। इट हैज़ पावर टू चेंज द शेप ऑफ थिंग्स।
शेप भी चेंज हो सकती है। आप जैसे कोई भी प्लास्टिक का आप मोल्ड लें या कोई भी प्लास्टिक की चीज लें, आप उसमें बहुत सारा फोर्स लगाएं तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी ना। तो फोर्स की वजह से हम अपनी पावर लगाते हैं। फोर्स हैज पावर टू मेक थिंग्स फ्लाई। अब एरोप्लेन भी फ्लाई होता है तो वो भी फोर्स से। नेक्स्ट पेज, वर्क। अब हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, अब हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। मैनी टाइप्स ऑफ वर्क आर डन बाय अस एवरी डे। हम कोई ना कोई काम हर रोज करते हैं। बट ऑल दीज आर नॉट कॉल्ड वर्क इन साइंस। लेकिन हर काम को वर्क नहीं बोला जाता, किसमें? साइंस में। इन साइंस द मीनिंग ऑफ वर्क इज डिफरेंट। साइंस में जो वर्क की डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। वर्क इज सेट टू बी डन ओनली वेन अ फोर्स पुल और पुश मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस। अब आप ये पिक्चर देखिए, ये फोर पर्सन एक अलमीरा को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, राइट? तो वर्क इज सेट टू बी डन ओनली वेन अ फोर्स मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस। इसमें इनका फोर्स लग रहा है, अलमीरा हैवी होती है तो उसको पुश करने में भी, एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए भी फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू पुश अ टेबल फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू अनदर, वर्क इज डन। इसमें साइंस में वर्क की डेफिनेशन होती है वेन यू पुश अ टेबल फ्रॉम वन कॉर्नर। अब जैसे ये टेबल है या अलमीरा है, वॉट एवर, सो वो हम पुश करेंगे और एक कॉर्नर ऑफ द रूम से दूसरे कॉर्नर ऑफ द रूम तक लेके जाएंगे तो तब वर्क इज डन। वेन यू लिफ्ट योर बुक्स, वर्क इज डन। इफ द ऑब्जेक्ट वी पुश और पुल डज नॉट मूव, नो वर्क इज डन। अब कोई भी काम होता है, जैसे अलमीरा हम एक रूम से दूसरे रूम में लेके गए तो काम हुआ, वर्क इज डन। हमने कोई भी बुक उठाई तो वर्क इज डन। बट इफ द ऑब्जेक्ट वी पुश और पुल डज नॉट मूव, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हम उसको पुश करें या पुल करें बट वो अपनी जगह से ना मूव हो तो तब क्या होता है? नो वर्क इज डन, तब वर्क नहीं होता। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन समथिंग एंड इट मूव्स। जब फोर्स लगता है किसी भी चीज पे और वो मूव होती है तब वर्क होता है। ओके, एनर्जी। नथिंग इन द वर्ल्ड कैन वर्क विदाउट एनर्जी। एनर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। कार्स कैन नॉट मूव विदाउट एनर्जी एंड फ्यूल्स। आर बॉडी कैन नॉट वर्क विदाउट एनर्जी। हम भी कोई काम नहीं कर सकते एनर्जी जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी ना हो। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये आप अपनी पहले सेकेंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में भी ये पढ़ चुके हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी की वजह से हम कोई भी काम कर सकते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है तो भी हम कोई भी काम, कोई भी हमें कोई मूव करना है, कोई काम टेबल यहाँ से यहाँ लेके, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी होगी नहीं तो हम इसको पुल या पुश कुछ भी नहीं कर सकते ना। सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इन ओल्डन डेज मैन यूज टू डू ऑल वर्क बाय हिमसेल्फ। पहले के टाइम में मैन अपने आप सारे काम करते थे। एज टाइम पास्ड ही लर्न द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर एंड सन। नाउ डेज मैन यूजेज मशीन्स टू डू हिज वर्क इजियर। अब आजकल के जमाने में तो मशीन्स आ गई हैं तो मशीन्स की मदद से काम बहुत ज्यादा इजी हो गया है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट, हीट एनर्जी। सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। वी गेट हीट एनर्जी बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक फायरवुड, केरोसिन, कोल एंड गैस। हीट हमें कहाँ से मिलती है? फ्यूल बर्न करने से, लाइक जैसे कि फायरवुड, केरोसिन, कोल एंड गैस। नेक्स्ट पेज, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स सच एज फैन, आयरन बल्ब, टेलीविजन
and air conditioner work with the help of this energy. Which energy? Electric energy. जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, जैसे फैन हो गया, आयरन हो गया, बल्ब, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी से. मूविंग वाटर हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन इट, केमिकल एनर्जी. दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एक्सेट्रा. सेल्स ऑल्सो हैव स्टोर्ड एनर्जी. दिस एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. Atomic. An atom is the smallest particle of matter. This is important. Everything is made of atoms. Atomic energy can also be used to produce electricity. What is used to produce electricity? Atomic energy. Magnetic energy. A magnetic can easily pull the piece of iron towards itself. It causes movement in the piece of iron. Therefore, a magnet has an energy which is called magnetic energy. ये आपने भी देखा होगा, आपके पास, आप बच्चे भी खेलते होंगे मैग्नेट से, तो वो इजीली, जैसे ही आप मैग्नेट को रखेंगे, वो कोई भी आयरन का कोई भी मेटल होगा उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा. इजी चैप्टर खत्म भी हो गया, एंड टू पेजेस हैं, थ्री पेजेस हैं, शॉर्ट टॉपिक्स हैं, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है. सो आपने ये सारे रीडिंग करनी है पूरे चैप्टर की, और इसको डिफिकल्ट जो भी अंडरलाइन करा है उस पर ध्यान देना है, और जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं वो लर्न करेंगे आप. नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे. ओके, थैंक यू.